आज लिख दिया इन्होंने सर, आज इन्होंने भी एक लिख दिया, एक लेटर लिख दिया या क्या लिख दिया, वो इन्होंने कर दिया कि जी हमें रशिया से क्रूड ऑयल जो है वो चाहिए। और लेकिन ये आपको पता, ये अभी भी आई वॉश है, ये नहीं करेंगे कभी। अच्छा, क्योंकि ये अमेरिका से डरते हैं। हाँ जी, इन्होंने सीएनएन के इंटरव्यू में क्या दिया था ना कि जी मेरे पे तो सैंक्शन लग जाएंगी। तो उसने, वो बेकी ने कहा कि भाई अगर तेरे वीट तुम इंपोर्ट करोगे उस पर अगर सैंक्शन नहीं लगेंगी तो इस पे तेल पे क्यों लगेंगी। तो इनके पास जवाब नहीं था। तो पॉइंट सिर्फ ये है कि सिर्फ अमेरिका से डरने के लिए, कि भाई ये ना हो कि ये अमेरिका जो है पीछे चाबी दे और आईएमएफ हमें छोड़ के चला जाए, ये उस वजह से नहीं कर रहे। तो हम क्या करते, हम रूस से लेते। मैं जनाब वाला टारगेटेड सब्सिडी करता, बिकॉज मेरे पास 3-4 महीने तो थे ना, उसमें मैं मोटरसाइकिलिस्ट को, छोटी गाड़ियों वालों को मैं प्रोटेक्ट करता, और बड़े लोगों को जिनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जिनके पास अफोर्डेबिलिटी है, उनके ऊपर मैं पूरा लगाता ये जो है टैरिफ। उसके बाद रेवेन्यू ज्यादा इकट्ठा करते, जिस तरह पहले हमने 300 बिलियन ज्यादा किया था अपने अदब से, इस दफा हमारा टारगेट था 800 अरब रुपया। अभी इतने टैक्सेस इन्हें लगाए हैं, जिसके में सुपर टैक्स भी लगा दिया है, जिसमें आम सैलरी के ऊपर 80 बिलियन का टैक्स लगा दिया, फिर भी ये 7500 पे पहुंचे हैं, 7470। हमने 8000 का देना था, वो 500 बिलियन जो एडिशनल आना था वो मैंने इस साइड पे इस्तेमाल करना था पार्टली।